नमस्कार, घड़ी में दो बज चुके हैं। वक्त हो चला है दिन भर की तमाम उन बड़ी खबरों का जिसका करते हैं आप इंतजार। स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया के न्यूज रूम में, जहां पर हम आपको दिखाएंगे खबरें सीधे न्यूज रूम से, और वो तमाम बड़ी खबरें ग्राउंड जीरो से न्यूज इंडिया के रिपोर्टर आप तक पहुंचाएंगे हर पल की अपडेट, जिन खबरों का सरोकार होगा आपसे। तो चलिए, आज के दिन की वो छह बड़ी खबरें कौन सी है चर्चाओं में, जिस पर हम विस्तार से नजर हम डालेंगे। आज के दिन की पहली और बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, संसद यूं ही चलेगी। संसद में लगातार जिस तरह से हंगामे की तस्वीरें आप देख रहे हैं, आज के दिन भी कुछ वही हाल दिखाई दिया। कुछ देर के बाद कार्रवाई भी शुरू होगी। वहीं आज के दिन की दूसरी बड़ी खबर तेजस्वी वर्सेस सीबीआई, क्योंकि तेजस्वी यादव को एक बार फिर समन, और पूछताछ में क्या होगा अब ये भी देखने वाली बात होगी। खबर के अंदर क्या कुछ बताएंगे हम आपको। वहीं तीसरी बड़ी खबर आज के दिन की तेजस्वी वर्सेस सीबीआई के बाद हम चर्चा करेंगे अन्य तमाम खबरों पर भी, क्योंकि देखिए सदन की कार्यवाही आपने देखी, ईडी सीबीआई की छापेमारी, और वहीं के कविता भी अब ईडी नहीं जाएंगी, क्योंकि के कविता का ये कहना कि ईडी उनके घर पर पूछताछ के लिए आए। और क्या है खबर के अंदर बताएंगे आपको, क्योंकि कविता ने याचिका भी लगाई थी। अतीक की बमबाज टोली, किसने बम बरसाया, किसने गोली चलाई, न्यूज इंडिया आपको ये भी बताएगा। और 20 दिन के बाद जो सीसीटीवी सामने आया है वो भी हम आपको दिखाएंगे। वहीं पांचवी बड़ी खबर आज के दिन की नासिक टू मुंबई, किसानों का जोश आई है। किसानों की कौन कौन सी मांगे और क्यों किसान सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, न्यूज इंडिया आपको ये भी बताएगा। आज के दिन की छठवीं खबर अगर हम बात करें, इसके बाद किसानों का जोश आई, इमरान खान पर भी हम बात करने वाले हैं। इमरान खान पर गिरफ्तारी की तलवार अभी भी लटकी है, हालांकि कल तक अब रोक है इनकी गिरफ्तारी पर, लेकिन इस समय पाकिस्तान में जंग जैसे हालात बन गए। इमरान खान के समर्थक सड़कों पर उग्र हो चुके हैं। एक तरफ इमरान का ये कहना कि मुझे गिरफ्तारी का डर नहीं है, लेकिन एक तरफ उनके समर्थक भी प्रदर्शन कर रहे हैं। तो चलिए, अब बात करेंगे लोकसभा और सदन की कार्यवाही को लेकर, क्योंकि इस समय वहां पर कार्यवाही शुरू हो चुकी है। लाइव तस्वीरें न्यूज इंडिया आपको दिखा रहा है। तो चलिए, लोकसभा और राज्यसभा से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर कार्यवाही इस समय एक बार फिर स्थगित हो गई है। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, कार्यवाही एक बार फिर से स्थगित। लोकतंत्र का मंदिर कहे जाने वाले संसद में पूजा ही नहीं हो पा रही है। हर दिन सदन की कार्यवाही स्थगित हो रही है, आज के दिन भी कुछ वैसी तस्वीरें, चाहे मुद्दा अडानी का हो या फिर राहुल गांधी का, या फिर जांच एजेंसियों के दुरुपयोग को लेकर लगातार विपक्ष धावा बोल रहा है मौजूदा सरकार पर। लेकिन सदन की कार्यवाही में लोगों को उम्मीदें थी कि बजट के दूसरे चरण में चर्चाएं होंगी, लेकिन अभी तक ये चर्चा शुरू नहीं हो पाई। बड़ी खबर जो हम आपको दिखा रहे हैं, हंगामे की भेंट, सदन की कार्यवाही एक बार फिर चढ़ चुकी है, स्थगित हो गई है। लोकसभा की कार्यवाही, राज्यसभा की कार्यवाही भी स्थगित। बड़ी खबर जो आप देख रहे हैं, दोनों सदनों की कार्यवाही एक बार फिर से स्थगित हो गई। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, अब कार्यवाही कब होगी, क्योंकि बजट सत्र का ये दूसरा चरण था और लोकतंत्र के मंदिर में पूजा तक नहीं हो पाई। ऐसे में देखना काफी अहम कि कब चर्चा होगी अन्य मुद्दों पर। एक तरफ सत्ता पक्ष की अगर हम बात करें, विपक्ष की बात करें, दोनों एक दूसरे पर लगातार हमलावर इस समय दिखाई दे रहे हैं। तो राज्यसभा और लोकसभा की कार्यवाही फिलहाल स्थगित। लोकसभा की कार्यवाही स्थगित, राज्यसभा की भी कार्यवाही स्थगित। लगातार दोनों सदनों में जमकर हंगामा आपने देखा। तस्वीरें आप देखिए, विपक्ष किस तरह से नारेबाजी कर रहा है, चाहे सत्ता पक्ष हो, राहुल गांधी के बयान को लेकर माफी मांगो के नारे भी आपने जमकर सुने हैं। इस पूरे मामले को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कहा, अनुराग ठाकुर ने क्या कहा, सुनिए। पीसफुल डेमोन्स्ट्रेट कर रहे थे, लेकिन किसने रोका, वो भी महिला कांस्टेबल्स को हमारे सामने रख के उन्होंने हमारे को रोकने की कोशिश की। और ये जो है अदानी का इशू ये बंद करने के लिए या उस पर चर्चा नहीं होना,
और उनके फेल्यूअर्स जो है पार्लियामेंट में डिस्कशन नहीं होना, ये उनका मंशा है। कभी सुने आप, रोज उठ के रूलिंग पार्टी के लोग ही गड़बड़ करते हैं, सरकार के लोग पहले ही उठते हंगामा, माफी मांगो माफी मांगो, ये क्या है, क्या इंस्टिगेट, खुद इंस्टिगेट कर रही सरकार और दूसरों को डेमोक्रेसी बात सुना दी है। जिस हाल में कांग्रेस छोड़ के गई थी फ्रेजाइल 5 इकोनॉमीज में, आज फर्स्ट 5 इकोनॉमीज में आई है। लड़खड़ाती चरमराती अर्थव्यवस्था नहीं, आज एक सशक्त 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था दुनिया की बनी है। आज दुनिया ने भारत के नेतृत्व को माना है, लेकिन शायद कांग्रेस मानने के लिए तैयार नहीं। लेकिन कम से कम संसद का अपमान तो ना करें, सांसदों का समय बर्बाद ना करें, और देश के बारे इस तरह के विचार रखना ये दुर्भाग्य है जी। ये पार्टी जो खुद 60 साल सत्ता में रही और अब उनको भी विदेश में जाकर किसी ने ज्ञान दिया कि जब इंदिरा जी भी विदेश आई थी तब देश के बारे में कुछ नहीं कहा था, लेकिन आप उनसे ही कुछ सीख लीजिए। वहीं इस पूरे मामले को लेकर किरण रिजिजू और अधीर रंजन चौधरी ने क्या कहा है वो भी आप सुनिए। श्रीमान राहुल गांधी या कांग्रेस के नेता अपने हिसाब से जो भी काम करते हैं, जो बोलते हैं, वो उनका मर्जी है, लेकिन देश को गाली देने का, देश को बदनाम करने का किसी को अधिकार नहीं है। ये किसी का मर्जी नहीं हो सकता है। राहुल गांधी जो भी बोलता है, अपने पार्टी कांग्रेस पार्टी को नुकसान होता है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। कांग्रेस पार्टी किस परिस्थिति में है ये उनका अंदरूनी मामला है, और राहुल गांधी के वजह से अगर कांग्रेस डूबता है तो हम उसमें कोई रुचि नहीं रखता है। अगर कांग्रेस पार्टी को राहुल गांधी ने डुबा दिया, बर्बाद कर दिया, तो हमारे लिए ये कोई रुचि का विषय नहीं है। लेकिन अगर वो देश को डुबाने का काम करेगा, देश को नुकसान कराने का काम करेगा, तो इस देश का नागरिक होने के नाते हम चुपचाप नहीं बैठ सकते हैं। इसलिए लगता है कि रोजाना ये सरकार और सरकार के नुमाइंदे ने, सत्तारूढ़ पार्टी के लोग ये सदन को ठप कराना चाहते हैं रोजाना, और हम पे इल्जाम थोपने का कोशिश करते हैं। मतलब सरकार खुद ये सदन को चलाने में असहमति जता रहे हैं रोजाना। सदन के अंदर चालाकी, सदन के बाहर चालाकी, ये चालाकी की सरकार बनते जा रहे हैं। सिर्फ चुनाव के मद्देनजर और खासकर कर्नाटक चुनाव के मद्देनजर ये राहुल गांधी जी को छवि की धूमिल करने के हर संभव प्रयास कर रहे हैं, और इसमें एक साजिश की रूप से ये किए जा रहे हैं। अगर सरकार की दम है, हिम्मत है, फिर दोबारा कहें तो मोदी सरकार की हिम्मत है, दम है, जिगर है, तो सदन के अंदर राहुल गांधी जी की बयान पे चर्चा करने की इजाजत हो। तो आज के दिन भी सदन की कार्यवाही जो स्थगित हो गई है। देखिए तस्वीरें, राहुल गांधी जब संसद भवन से बाहर निकले उस दौरान की तस्वीर। राहुल गांधी ने यह भी कहा है कि एक एक सवालों का जवाब मैं दूंगा, बोलने का मौका मिलेगा तो हर एक जवाब दूंगा। लेकिन इन तस्वीरों को देखकर क्या अंदाजा आप लगा सकते हैं कि आने वाले समय में राहुल गांधी क्या बोलेंगे, क्या माफी मांगेंगे? क्योंकि बीजेपी इसी पर अड़ी है और विपक्ष इस समय कथित दुरुपयोग पर एजेंसियों के इस समय बवाल काट रहा है। सहयोगी रवि सर्राफ लाइव जुड़ गए पूरी जानकारी के साथ। रवि, ताजा अपडेट क्या है? सदन की कार्यवाही शुरू भी नहीं हुई कि दोनों सदनों की कार्यवाही स्थगित हो गई आज के दिन, ऐसा क्यों? सागर देखिए, ऐसा इसलिए है क्योंकि विपक्ष हो या सत्ता पक्ष हो, दोनों ने रणनीति बहुत ठोस बना रखी है। देखिए पहले विपक्ष की चर्चा कर लेते हैं। विपक्ष ने अपनी रणनीति सत्र में बना रखी है कि हम जेपीसी की मांग को उठाते रहेंगे, सभी विपक्षी दलों को लामबंद करते रहेंगे और एक एक तरीके से जो है अपना प्रदर्शन करेंगे। आपने देखा पहले दिन जब सत्र शुरू हुआ तो किस तरीके से सदन के अंदर हंगामा हुआ, गांधी स्टैचू पर आकर सांसद अपना रोष व्यक्त किए, उसके बाद मार्च की तैयारी हुई कि हम मार्च करते हुए ईडी दफ्तर तक जाएंगे। आज फिर जो है हाथ से हाथ जोड़ा गया, एक कहा जाए कि ह्यूमन
चेन पार्लियामेंट के बाहर बनाने की कोशिश की गई, तो विपक्ष ने अपनी नीति बना ली है। दूसरा सत्ता पक्ष की अगर बात करें तो देखिए, जिस दिन सत्र शुरू हुआ वैसे ही भारतीय जनता पार्टी के सभी सांसद एक स्वर में एक साथ कहने लगे कि राहुल गांधी माफी मांगे, राहुल गांधी ने लोकतंत्र का मजाक उड़ाया, देश का विदेश की धरती में अपमान किया। तो दोनों तरफ से ऐसा नहीं, अमूमन ऐसा होता था कि एक पक्ष विरोध दर्ज कराता था, दूसरा पक्ष चाहता था कि किसी तरीके से सदन चले, पर इस सत्र में तो ऐसा हो रहा है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों अपनी बात को लेकर विरोध दर्ज करा रहे हैं, और ये कहा जा सकता है कि शायद सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों नहीं चाहते कि सदन की कार्रवाई हो, क्योंकि अगर जेपीसी की बात आएगी, अडानी समूह का अगर जिक्र होगा तो सत्ता पक्ष को इससे दिक्कत है, और राहुल गांधी का अगर जिक्र होगा तो विपक्ष को इससे दिक्कत होगा। तो दोनों की तरफ से विरोधाभास जताया जा रहा है, और अब आगे की भी रणनीति बनाई जा रही है एक एक करके। देखिए, आज ह्यूमन चेन बनाया गया, कल की तैयारी यह है कि राष्ट्रपति भवन तक मार्च करने के लिए ये जो तमाम विपक्षी दल, जो तकरीबन 16 राजनीतिक दल एक साथ आए हैं, वो राष्ट्रपति से मुलाकात करने का समय मांगे, वहां तक वो मार्च करते हुए जाएं, विजय चौक तक मार्च करते हुए आए, गांधी प्रतिमा पर प्रदर्शन करते हुए, लगातार नीतिगत तरीके से विरोध को दर्ज कराया जा रहा है। पर नुकसान इस वक्त अगर किसी का हो रहा है तो देश की उस जनता का हो रहा है जो टैक्सपेयर है, जो पैसा देता है, जिसके पैसे से ये कहा जाए कि पूरी सरकार चलती है, शासन प्रशासन चलता है, उसका एक बड़ा नुकसान हो रहा है, क्योंकि संसद का सत्र बिल्कुल। देखिए रवि, सवाल तो यही है कि आखिर लोकतंत्र के मंदिर में आम जनता के मुद्दे उठेंगे कब। रवि अपडेट दे रहे थे, लेकिन ग्राफिक्स आपको दिखाते हैं कि आखिर विपक्ष का वार क्या है और पक्ष का इस पर पलटवार क्या है। देखिए, अडानी के मुद्दे पर केंद्र का घेराव है, तो राहुल गांधी के लंदन वाले बयान पर इस समय निशाना साधने में बीजेपी लगी है। वही अडानी मामले पर जेपीसी की गठित किया जाए, ये भी कहना विपक्ष का। वहीं राहुल गांधी सदन में माफी मांगे, राहुल गांधी हालांकि आज के दिन पहुंचे भी थे। वहीं ईडी से कराई जाए अडानी मामले की जाँच, ये भी कहा जा रहा है विपक्ष की तरफ से। वहीं पक्ष ने भी इस पर कहा कि एसबीआई और एलआईसी पूरी तरह सुरक्षित है, लेकिन जनता की पूंजी खतरे में है, ये विपक्ष कह रहा है एलआईसी और एसबीआई के मामले को लेकर। वही सरकार के खिलाफ बोलने वालों पर ईडी की कार्रवाई हो रही है, भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है, ये जवाब है पक्ष का, जब ईडी को लेकर जिक्र किया था विपक्ष ने। वही अगर हम बात करें इस पूरे मामले को लेकर, पवन खेड़ा ने क्या कुछ कहा है वो भी आप सुनिए। कुछ दिनों पहले यहीं संसद के भीतर प्रधानमंत्री जी ने एक टिप्पणी की थी, हम सब गलतफहमी से यह मान गए कि प्रधानमंत्री अपने लिए कह रहे थे। उन्होंने कहा था कि एक आदमी सब पर भारी होगा, हमने सोचा वो अपने लिए बात कर रहे हैं, क्योंकि हमेशा प्रधानमंत्री अपने लिए ही ज्यादा बात करते हैं, आई मी माई सेल्फ प्राइम मिनिस्टर। लेकिन अब समझ में आ रहा है कि वो टिप्पणी उन्होंने अपने लिए नहीं की थी, रिंग मास्टर गोगो के लिए की थी। कौन है ये रिंग मास्टर गोगो? रिंग मास्टर गोगो उनके दोस्त हैं गौतम अडानी। ये टिप्पणी गौतम अडानी के लिए की थी, वो एक आदमी, वो एक दोस्त पूरे हिंदुस्तान पर भारी हो गया, हिंदुस्तान की कैबिनेट पर भारी हो गया, हिंदुस्तान की संसद पर भारी हो गया। जेपीसी की मांग गौतम अडानी पर, हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर कांग्रेस जब भी करती है, ये ध्यान बटाने के लिए संसद भी नहीं चलने देते। ये इतिहास में पहली बार हो रहा है कि रूलिंग पार्टी संसद नहीं चलने दे रही। क्यों नहीं चलने दे रही? क्योंकि डर है कि संसद के भीतर रिंग मास्टर गोगो का कोई नाम नहीं ले ले। घबराहट इसी बात की है कि कहीं जेपीसी की मांग नहीं कर दे राहुल गांधी। तो चलिए दो तस्वीरें आपको दिखाते हैं कि सदन के बाहर किस तरह से हंगामा हो रहा है और सदन के अंदर किस तरह से नारेबाजी हो रही है। दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, ये तो उस दौरान की तस्वीर जब राहुल गांधी पार्लियामेंट से बाहर निकले, और अब राहुल गांधी पर सभी की नजर है। दो तस्वीरें, ये सदन के अंदर किस तरह से सभी नेता एकजुट होकर हल्ला बोल रहे हैं सरकार की नीतियों पर, और दूसरी तस्वीर सदन के बाहर की, देखिए किस तरह से प्रदर्शन और तमाम कांग्रेसी नेता बैरिकेड के ऊपर, देखिए चढ़ने की भी यहां पर कोशिश की गई, पुलिसकर्मी तमाम थे वहां पर, रुकते रह गए, और विरोध कुछ इस तरह से दर्ज कराया जा रहा है सदन के बाहर भी। संसद परिसर में जमकर हंगामा, संसद परिसर के बाहर प्रदर्शन, और ये हंगामा इसी तरह जारी है। देखिए तमाम महिला कार्यकर्ता भी इसी तरह से नारेबाजी करती हुई दिखाई दे रही है। देखिए दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, हाथों में पोस्टर आप देखिए, चौकीदार चोर है के नारे यहां पर आपने देखा होगा, जो चुनाव के दौरान कांग्रेस बोलती थी वही पोस्टर अभी भी दिखाई दे रहा है। जेपीसी से जांच करो, अडानी फर्जीवाड़े पर जांच कब होगी, और यहां पर यह भी लिखा गया पोस्टरों में
कि फर्जीवाड़ा कब तक चलेगा। देखिए देश इस समय इस पर जवाब मांग रहा है, विपक्ष ये भी कह रहा है। ये तस्वीर देखिए संसद के बाहर की, बैरिकेड के ऊपर किस तरह से तमाम ये नेता चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। सहयोगी रवि सर्राफ लगातार अपडेट दे रहे हैं। रवि, विरोध का तरीका देखिए, किस तरह से नोट की माला पहने तमाम कार्यकर्ता पहुंच गए प्रदर्शन के लिए, बैरिकेड के ऊपर चढ़ने की कोशिश की गई, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, दोनों यही कह रहे हैं कि हम किसी से कम नहीं है। रवि, बिल्कुल सागर, देखिए इसी बात का हम लोग चर्चा भी कर रहे थे। चरणबद्ध तरीके से जो है विरोध दर्ज कराया जा रहा है, चाहे विपक्ष हो या सत्ता पक्ष हो, तरह तरह से कैसे भी अपना विरोध दर्ज कराना है, चाहे सदन के अंदर हो या फिर सदन के बाहर हो। आपने देखा होगा कल किस तरीके से विपक्ष के सभी सांसद निकलकर बाहर आ गए थे, विजय चौक तक आ गए थे, ईडी दफ्तर तक जाना चाहते थे, पर पुलिस ने उन्हें रोक दिया। सत्ता पक्ष की अगर बात करें तो आप लगातार देखिए, जिस दिन से सत्र शुरू हुआ है उस दिन से लेकर अब तक लगातार जो है राहुल गांधी के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि राहुल गांधी सदन में आए, माफी मांगे, तभी ये सदन चल पाएगा। और सपक्ष की तरफ से लगातार आप देख रहे होंगे कि एक एक करके केंद्रीय मंत्री सामने आ रहे हैं और राहुल गांधी पर कटाक्ष कर रहे हैं, अपना तंज कस रहे। कल स्मृति ईरानी सामने आई थी और आज किरण रिजिजू सामने आए और उन्होंने राहुल गांधी पर कई सारे सवाल किए और ये कहा कि राहुल गांधी को माफी मांगना चाहिए। तो सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों टकराव की स्थिति में बना हुआ। अब ऐसे में चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा हो, स्पीकर को सामने आना पड़ेगा, उन्हें इनिशिएट करना पड़ेगा, दोनों पक्ष को बुलाना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, तब जाकर कुछ सॉल्यूशन निकलेगा और ये सदन ये कहा जाए कि चल पाएगा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो देखिए लगातार समय जाया हो रहा है, पैसा जाया हो रहा है, नुकसान देश की जनता का हो रहा है, देश का एक अच्छा खासा नुकसान हो रहा है। क्योंकि अगर सत्र नहीं चलता है तो उस लोकसभा की अगर बात करेंगे जहां से गरीब मजलूम दबे कुचले की आवाज़ लेकर एक सांसद पहुंचता है अपनी बात रखने के लिए कि कुछ सुझाव दे और कुछ समस्या का उसका निदान हो, उसके क्षेत्र विकास हो, और वो जब बात नहीं रख पाता है तो विकास उसके गांव कस्बे लोकसभा तक नहीं पहुंच पाता है, एक बड़ा नुकसान देश का हो रहा है। अब देखना ये होगा सागर कि किस तरीके से आगे इनिशिएट किया जाता है उपराष्ट्रपति के तरफ से, लोकसभा स्पीकर के तरफ से, और दोनों को मनाया जाता है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया रवि पूरी जानकारी के लिए। तो सदन की कार्यवाही के बारे में तो हमने बात कर ली।